सब्सक्राइब कीजिए टेक स्टार एजी चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित गुंजन, आप देख रहे हैं टेक स्टार एजी यूट्यूब चैनल। तो आज इसमें बात करने वाला है सहारा ग्रुप का पैसा है जो किसको मिलेगा और कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जिस जिस का पैसा फंसा हुआ है सहारा ग्रुप में, सहारा इंडिया में, जिन लोगों का भी पैसा फंसा हुआ है, जो 5000 या 10000 या 1 लाख हो, जितना भी हो, वो पैसा आपको कैसे मिलेगा, तो उसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे ऑनलाइन करना है और कैसे पैसा मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए microfund.crcs.government.in इस साइट है, इस सहारा कारी फंड पोर्टल है जो लॉन्च किया है, अमित शाह ने लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। तो यहाँ पर देख लीजिए केंद्र पंजीकृत सहारा रिफंड पोर्टल। तो इसमें आपको सहारा ग्रुप के 4 सोसाइटी के अभी पैसा रिफंड मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, इनमें कौन कौन सोसाइटी है? पहला सोसाइटी है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, दूसरा है यहाँ पर सहारा एंड इन्वर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, और तीसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और चौथा है स्टारम मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस पोर्टल पर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सारा जानकारी दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है यहाँ से देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है आपका मन में होगा यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर सही दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सारा जानकारी ले सकते हैं इस पोर्टल पर आकर, और कैसे कैसे ऑनलाइन करना है वो भी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जमा कर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना पड़ेगा। ऑनलाइन करने से पहले आपको एक बात का ख्याल रखना है, आपका आधार नंबर लिंक रहना चाहिए और अकाउंट भी आधार से लिंक रहना चाहिए, तभी यहाँ पर ऑनलाइन करें, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपका अमाउंट 50,000 से ऊपर है तो आपको पैन कार्ड भी लगेगा यहाँ पर, अगर 50,000 से कम है तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड नहीं लगेगा। तो ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए आधार कार्ड 4 अंतिम 4 अंक डालना है, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद सबमिट कीजिएगा तो OTP जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, उसके बाद जैसे ही आधार नंबर और दर्शक का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, आधार नंबर लास्ट के 4 डिजिट और मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके बाद आपको मोबाइल पर OTP जाएगा, तो OTP यहाँ पर डाल लेना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, तो यहाँ पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, जब OTP सबमिट किया जाएगा तो लॉगिन हो जाएगा, अगर कैंसिल हो जाता है तो वहाँ से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद अंतिम 4 मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर घोषणा पत्र दिया हुआ है, तो हमारे आधार का डिटेल देना चाहते हैं उसका सहमति देना है, यहाँ पर टिक लगाना है, यहाँ पर एग्री करना है टर्म एंड कंडीशन को, उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, उसके बाद OTP जाएगा, तो उसको OTP डालिएगा, OTP डालने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा, सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर 6 चरण में आपका फॉर्म भराएगा, तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद OTP यहाँ पर सत्यापन हो जाएगा, OTP डालकर सत्यापन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर सारा डिटेल आधार से ले लिया जाएगा, आधार से जो भी डिटेल हो यहाँ पर ले लिया जाएगा, तो इसको डालने की जरूरत नहीं है, आधार से ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिता का नाम डाल लीजिए, ईमेल आईडी डाल लीजिए, उसके बाद अगला नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सहारा ग्रुप का जो भी सोसाइटी में पैसा जमा किया उसको सेलेक्ट कर लेना है, और उसका जो भी बॉन्ड पर डिटेल दिया हुआ है वो डिटेल को यहाँ पर भरकर वहाँ से आगे कर लेना है, नेक्स्ट कर लेना है, कितना राशि है, कब जमा की है, सारा जानकारी यहाँ पर अपलोड करना है, डालना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, अगर आपका गलती हो गया है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है, यहाँ पर डिटेल दिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म निकलेगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म निकलेगा, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, देख लीजिए यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है ये फॉर्म का, और यहाँ पर आपको फोटो चिपका लेना है, वो फॉर्म पर जो फोटो होगा इस फॉर्म पर फोटो साट लेना है, और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर फोटो साट कर और सिग्नेचर कर इस फोटो को या इस साइट पर अपलोड कर देना है। अगर आपका 50,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड अपलोड करने के लिए बोलेगा, अगर 50,000 से कम है तो यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करने के लिए नहीं बोलेगा, तो यहाँ पर आपको देख लेना है। उसके बाद 50,000 से ज़्यादा है तो पैन कार्ड अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पर, और इस फॉर्म को अपलोड कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर
आवेदन संख्या मिल जाएगा, अनुरोध संख्या, और मोबाइल पर भी मिल जाएगा और ईमेल आईडी पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप चेक करते रहिएगा। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है 45 दिन के अंदर आपका अगर सब कुछ सही रहा तो पैसा रिफंड हो जाएगा जितना जमा किया है। और ब्याज व्याज के बारे में नहीं बताया गया है कि ब्याज कितना मिलेगा, सिर्फ अभी जितना पैसा आप जमा किए हो उतना पैसा आपको मिलेगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।